दोस्तों आर्मी टेस्ट फॉर ENT, सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानना है कि हम जब आर्मी में हम रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो दोस्तों आर्मी में हमें फिटनेस टेस्ट होता है। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो मोस्टली पेशेंट का जो रेफर जो मिलता है वो ENT को लेके मिलता है। क्या वो चीज़ें हैं जिससे हमें ENT में रेफर मिलता है, दोस्तों बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ENT में अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 70-80% पेशेंट का जो रेफरेंस होता है वो ईयर को लेके लिए होता है, उसके बाद में 20% जो है वो नोज को लेके है, एंड वेरी फ्यू पेशेंट फॉर थ्रोट प्रॉब्लम। सो ईयर में अगर हम माने तो नंबर वन दोस्तों जो रेफर हमें को मिलता है वो मिलता है कान के लिए, जिसमें कान के अंदर कान के पर्दे में छेद, नंबर वन ईयर परफोरेशन CSOM सेंट्रल परफोरेशन, एंड सेकेंड है दोस्तों कान का सफ़ेद दाग, दैट मीन टिम्पेनोस्कोलोसिस। उसमें आपको जो रेफर मिलेगा उसमें टिम्पेनोस्कोलोसिस भी नहीं लिखा होगा, वाइट पैच और सफ़ेद दाग लिखा हुआ होगा। दोस्तों ये जो दो कॉमन प्रॉब्लम है जिनके कारण हमें ईयर में रेफर मिलता है। इसके बाद में जो थर्ड कॉमन जो दोस्तों जो अंदर बहुत बार आपने देखा होगा, अनहेल्दी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन भी एक थर्ड जो रेफर दिया जाता है। उसमें कई बार कान के अंदर वैक्स होता है, या तो आपको अगर बहुत ज़्यादा वैक्स है तो वो वैक्स के कारण रेफर दे देंगे, या फिर उसमें अनहेल्दी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के कारण आपको रेफर मिलेगा। एक रेफर मिलता है दोस्तों एनोशिया और माइक्रोशिया, यानी जो कान का बाहर का पिन्ना ही नहीं बनता। आपने एक जन्मजात विकृति होती है देखा होगा, कुछ लोगों को ये बाहर का कान नहीं बनता, तो उसकी भी आपको क्या है रेफर मिल जाता है। सो ईयर के अंदर मोटे रूप से क्या है ये रेफर पॉइंट बनाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नोज में। दोस्तों नोज में अगर हम बात करते हैं तो 99% जो आपको रेफर मिलता है वो मिलता है DNS। जैसे आप सबको पता है ये DNS क्या बला है दोस्तों, DNS मतलब होता है डेविटेड नेजल सेप्टम, दैट मींस यानी नोज जो गॉड ने हमारे ये नाक के बीच में जो पतला सा आप जो पार्टीशन बनाया है वो बीच में रहना चाहिए। अगर ये आइधर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, झुका हुआ है, तो उसको हम DNS बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ये आर्मी के रिक्रूटमेंट वाले, उसमें एयरफोर्स के अंदर आपको स्पेशली DNS का पॉइंट बनाया जाता है, आर्मी में पर्टिकुलरली आपको ईयर का पॉइंट बनाया जाता है। सो अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो तुरंत आपको नोज का अपना चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो नोज का जो आपका जो रेफर पॉइंट बनाया जाता है वो होता है आपका अंदर जो है वो टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी है, या साइनस की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें नोज के अंदर पॉलिप बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पे कोई रूटीन जो है वो CT स्कैन नहीं कराया जाता, वो राइनोस्कोपी होता है या टेलीस्कोप होता है जिसके माध्यम से देखते हैं। तो जब तक आपको सीवियर पॉलिप नहीं होते, जब तक रेफर नहीं मिलता क्योंकि वो CT नहीं कराते, फिर भी जो है वो कई बार क्या है पॉलिप के कारण भी जो है या कोई नाक में मांस बना हुआ तो रेफर बना देते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर थ्रोट की हम बात करते हैं तो हमें दो जो है वो मोटे रूप से पॉइंट होते हैं जिसके कारण रेफर बनाया जाता है। एक तो होता है दोस्तों टंग टाई, क्योंकि उसमें टंग टाई के कारण क्या होता है हमारी जीभ पूरी बाहर नहीं निकल पाती और जो शब्द का हम उच्चारण करना चाहते हैं वो नहीं होता। एक होता है दोस्तों बड़े ह्यूज जो टॉन्सिल जो बड़े हुए होते हैं, उन टॉन्सिल के कारण भी दोस्तों क्या है कि आपको क्या रेफर कर दिया जाता है क्योंकि उसके कारण बार बार थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई बड़ा लंप या गांठ आपको नेक के अंदर हो। सो दोस्तों ये जो है तीन जो कैटेगरी हैं ईयर नोज और थ्रोट में, वो महत्वपूर्ण मेन बातें हैं जिसके कारण दोस्तों जो है हमारे को आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या बहुत सारे जहां पे मेडिकल होता है जिसमें आपको दोस्तों रेफर किया जाता है। सो दोस्तों आज ही आपने एक प्रण लेना है, हमें प्रॉमिस करना है कि मेरे को कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को आर्मी के अंदर कहीं रेफर नहीं कर दें, जस्ट गो टू गुड ENT सर्जन एंड हमारा ENT चेकअप कराना चाहिए। इसमें एक ऑटो एंडोस्कोपी होती है, नेजल एंडोस्कोपी होती है, एंड एक FOL टेस्ट होता है। इन तीन टेस्ट के माध्यम से तुरंत हमें ये पता लग जाता है कि मेरा कहीं कोई रेफर पॉइंट बनेगा या मेरा कोई रेफर पॉइंट नहीं बनेगा, या मेरे ENT टेस्ट के अंदर 100% में पासिंग हो जाऊंगा। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड जाते जाते YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारे इंस्टा एंड जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो करना ना भूले। आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।